अब अगर दिवाली के अवसर पे इतनी बड़ी बड़ी फिल्में क्लैश करने लगे तो ऑडियंस भी कंफ्यूज हो जाएगी कि आखिर देखने किस फिल्म को जाएं। और 2024 में ऐसा ही कुछ होने वाला, बताएंगे आपको इस वीडियो में कि कौन कौन सी फिल्में हैं जो दिवाली पे क्लैश करने वाली है। हमारे साथ वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। तो पहली फिल्म तो है भूल भुलैया 3, जिसका अनाउंसमेंट टीजर हाल ही में हमें कुछ दिन पहले देखने को मिला था, जिसमें हमें इसका रिलीजिंग डेट बताया गया था जो कि थी दिवाली 2024 की। और लोग इस न्यूज को सुनकर काफी खुश भी थे रूह बाबा को फिर से स्क्रीन पे देखने के लिए, और उसका अनाउंसमेंट भी काफी अच्छा था। दूसरी फिल्म है अजय देवगन की सिंघम अगेन। सिंघम कितनी बड़ी फ्रेंचाइज है ये तो हम सभी को पता ही है, लोग इसे कितना ज्यादा पसंद करते हैं और सिंघम की हर एक नई फिल्म के लिए हम कितना ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं। और अब ऑफिशियल कंफर्मेशन आ गया है कि सिंघम अगेन बन रही है और ये हमें 2024 की दिवाली के अवसर पे देखने को मिलेगी। सिंघम अगेन रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स का भी पार्ट है, जिसमें सूर्यवंशी और सिम्बा हमें पहले से देखने को मिल चुका है। और ऐसे भी खबरें हैं कि रोहित शेट्टी सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ एक वेब सीरीज भी बना रहे हैं जो कि कॉप यूनिवर्स का ही पार्ट होगी। एक तो लोग सिंघम के लिए और अजय देवगन के लिए पहले से ही एक्साइटेड रहते हैं, ऊपर से एक कॉप यूनिवर्स का नाम सुनकर लोग का एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ चुका है। और तीसरी फिल्म है सलमान खान और सूरज बड़जात्या का कोलैबोरेशन। जब जब ये दोनों साथ में फिल्म करते हो तो फिल्म तो हिट होनी कन्फर्म ही होती है। पिछली बार इनका प्रेम रतन धन पायो आया था जो भी दिवाली के अवसर पे आया था, और अब ऐसा कहा जा रहा है कि सूरज बड़जात्या सलमान खान के साथ एक और फिल्म लेकर आ रहा है जिसका नाम होगा प्रेम की दुल्हन, और यह फिल्म भी हमें 2024 में दिवाली के ही अवसर पे देखने को मिल सकती है। तो यह है वो तीन फिल्में जो 2024 में दिवाली के अवसर पे क्लैश करने वाली, और तीनों ही की तीनों बड़ी फिल्में हैं। भूल भुलैया 2 की सक्सेस के बाद भूल भुलैया 3 को लोग कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं स्क्रीन पे देखने के लिए ये बात तो किसी से छुपी नहीं, और कार्तिक आर्यन का फैन फॉलोइंग भी उतना ही ज्यादा है। और सिंघम फ्रेंचाइज की तो बात ही अलग है, उसमें अगर अजय देवगन और रोहित शेट्टी साथ में काम कर रहे हो तो लोग इस फिल्म को क्यों ही मिस करना चाहेंगे। ऊपर से हमें इस फिल्म में कॉप यूनिवर्स भी देखने को मिलेगा, तो इस फिल्म का पलड़ा काफी भारी है। और सलमान खान और सूरज बड़जात्या का कोलैबोरेशन भी किसी दिवाली धमाका से कम नहीं होता है ऑडियंस के लिए। तो यह तीनों ही फिल्में आपने में काफी ज्यादा धमाकेदार है, जो कि एक साथ रिलीज हो गई तो पता नहीं कौन सी फिल्म हिट होगी और कौन सी फिल्म फ्लॉप होगी। तो आप इन तीनों फिल्मों में से कौन सी फिल्में देखने जाने वाले हो हमें कमेंट में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। और आपको क्या लगता है फिल्म के रिलीजिंग डेट को चेंज करना चाहिए या नहीं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।